दोस्तों अगर आप 6 से 8 महीने वेट कर सकते हो ना, तो ऐसी वाले प्रॉपर्टी मिलेगा ना दोस्तों, जो कि हर किसी का मनपसंद वाला प्रॉपर्टी, यानी कि प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी है। अगर मेरे वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका रेलवे स्टेशन। ये जो आप G+6 का बिल्डिंग देख पा रहे हो, ठीक इसका बगल में ही आपका रेलवे स्टेशन रहेगा, यानी कि यहाँ से आप 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में आप रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। बिल्डिंग से नीचे उतरते ही मेन मार्केट आपका मिल जाएगा, बिल्डिंग से नीचे उतरते ही आपका हाईवे रहेगा, रेलवे स्टेशन आपका 2 मिनट रहेगा, और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी दोस्तों। जरूरी सामान आपको बिल्डिंग से नीचे उतरते ही मिल जाएगा, वॉकिंग डिस्टेंस में आपका स्कूल रहेगा, कॉलेजेस रहेगा, सभी सुख सुविधा अवेलेबल है, जो कि काफी सारे लोगों का रिक्वायरमेंट रहते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे शानदार सा प्रोजेक्ट, जहां पर आपको मिल जाएगा 1 BHK 2 BHK, कमर्शियल भी अवेलेबल है। तीनों का प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, 1 BHK स्टार्टिंग प्राइस, 2 BHK स्टार्टिंग प्राइस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो का आप लोग देख लीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोगों को कमेंट्स करके पूछना नहीं पड़ेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा सिटी है, वो सारी चीज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज का जो फ्लैट रहेगा 1 BHK का फ्लैट रहेगा दोस्तों, 550 स्क्वायर फीट का 1 BHK का फ्लैट है, लेकिन यहां पर आपको 1 BHK अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा दोस्तों। स्टेशन नजदीक होने के बावजूद भी यहां पर आपको बहुत ही कम कीमत पर मिल जाएगा 1 BHK। स्टार्टिंग एरिया रहेगा 525 स्क्वायर फीट का 1 BHK। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहां पर लिविंग, जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूं इस प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट है, ए विंग और बी विंग है दोस्तों, काफी सारे यूनिट है, लाइक आपका 75 यूनिट्स है टोटल, 2 बिल्डिंग में आपको 75 यूनिट्स प्लस कमर्शियल यहां पर अवेलेबल है दोस्तों। तो लिविंग आप देख लीजिए, ये है आपका लिविंग, साइज आप देख सकते हो बिग साइज का आपको मिल जाता है यहां पर लिविंग। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो 14 फीट का आसपास ये आपका लंबाई में आपका लिविंग रहेगा, ऐसे में आपको मिल जाएगा 9.5 फीट का आसपास। तो ऐसे में आपको 9.5 फीट, ऐसे में आपको 14 फीट का आसपास मिल जाता है ये वाला आपका लिविंग दोस्तों। और डोर का क्वालिटी आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है डोर का आपका क्वालिटी। और जैसे आप एंट्री करेंगे राइट में आपका पावर पॉइंट रहेगा, यहाँ पर आपको नीचे मिल जाता है टीवी के लिए पावर पॉइंट, पॉलीकैप का वायरिंग हमने यूज़ किया है, ऊपर आपको लाइट और फैन के लिए मिल जाता है। फॉल सीलिंग आप देख लीजिए, शानदार सा आपको मिल जाता है यहाँ पर फॉल सीलिंग। अगर आपको रॉ फ्लैट चाहिए तो रॉ फ्लैट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, फॉल सीलिंग के साथ में चाहिए, किचन ट्रॉली के साथ में चाहिए, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा बड़ा सा एक ओपन टेरेस, साइज आप देख सकते हो अप्रोक्स ये 7 फीट का आसपास ये आपका लंबाई में रहेगा, और ऐसे में आपको कितना मिलेगा, लाइक आपको 6 फीट का आसपास मिलेगा। तो 6 फीट ऐसे, ऐसे में आपको 7.5 फीट का आसपास ये हो गया आपका ओपन टेरेस। ज़्यादातर जगह में कैसे रहता है, 2 फीट का बालकनी रहता है, वहाँ पर आप चेयर भी नहीं रख सकते, वॉशिंग मशीन भी नहीं रख सकते, बट यहाँ पर आप इजिली एक टेबल रख सकते हो। यहाँ पर अगर आपका एक राउंड वाला टेबल आ जाता है तो 2-3 चेयर के साथ में सुबह शाम चाय का मज़ा आप यहाँ पर ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर आपको मिल जाएगा शानदार सा व्यू। अगर आपको फ्रंट पे चाहिए तो फ्रंट पे अवेलेबल है। फिलहाल मैं कॉर्नर का फ्लैट शूट कर रहा हूँ, जहाँ पर अभी सैंपल फ्लैट बनाकर रखा गया। आप देख सकते हो बिल्डिंग का बाहरी हमारा हाईवे है, और हाईवे में काफ़ी सारे दुकानें हैं, ज़रूरी सामान हॉस्पिटल पास में है, इसके अलावा मेडिकल पास में है, किराने का दुकान है। आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पर फर्नीचर मार्केट है, रिलायंस मार्ट है, साई मंदिर चौक है, सारे सुख सुविधा आपको अवेलेबल है दोस्तों। स्टेशन भी आपका 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। आप प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे है तो रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, स्लैश बैंक लोन अवेलेबल है, 90-95% आप बैंक लोन यहां पर ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर आपको मिल जाएगा यहां पर शानदार सा किचन, जो कि आपको फर्निश के साथ में बनाकर रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये है दोस्तों आपका 1 BHK का किचन, और साइज आप देख सकते हो अप्रोक्स में यहाँ से अगर काउंट करूँ तो ये लंबाई में कम से कम ये 7-7.5 फीट का आसपास ये लंबाई में रहेगा। ऐसे में आपको प्लेटफॉर्म छोड़ के कितना यूज़ करने के लिए मिलेगा, 3.5-4 फीट का आसपास मिलेगा, प्लेटफॉर्म छोड़ के 4 फीट के आसपास मिलेगा, लंबाई में है 7-8 फीट के आसपास आपको मिल जाता है ये वाला आपका किचन। वॉल टू वॉल अच्छे क्वालिटी का आपको यहाँ पर टाइल्स लगा कर दिएगा, सीलिंग लेवल तक आपको टाइल्स यहाँ पर मिल जाता है। सिर्फ ऐसे नहीं है दोस्तों कि शो फ्लैट बनाए हैं तो कुछ इस तरीके का अच्छा ब्रांडेड क्वालिटी का टाइल्स लगाया है, एज इट इज़ आपको सभी फ्लैट में इसी प्रकार का आपको टाइल्स लगा कर दे दिया जाएगा। ऊपर कुछ कैबिनेट आपको मिल जाता है जो कि ग्लास का साथ में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, ब्यूटीफुल सनमाई फिनिश के साथ में आपको यहाँ पर कैबिनेट मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो नीचे भी आपको काफ़ी सारे ड्रॉअर और कैबिनेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक एक मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का रहेगा आपका किचन ट्रॉली, देख लीजिए नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो ये आपने देख लिया, अगर इस तरफ अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 2-2 कनेक्शन, एक आपका ग्राम पंचायत कनेक्शन, पीने का पानी आपको मिल जाएगा, दूसरा कनेक्शन रहेगा आपका बोरिंग वाला कनेक्शन। तो 24 आवर्स यहाँ पर आपको पानी मिल जाएगा। एक्वा के लिए यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया है, पावर पॉइंट आपको एक्वा के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। वेंटिलेशन के लिए बड़ा सा विंडो, प्लस आपको बाहर का व्यू आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा यहाँ पर बाहर का व्यू। शानदार सा प्रॉपर्टी है दोस्तों, मिस मत कीजिए। अगर आप 6-8 महीना वेट कर सकते हो तो एक प्राइम लोकेशन पे आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। प्राइस कितने उसके बारे में भी हम इस वीडियो में
बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं बाथरूम में, आप देख सकते हो ये है आपका बाथरूम साइज, आप देख सकते हो अप्रॉक्स 7-8 फीट के आसपास ऐसे में रहेगा, ऐसे में आपको 4 फीट के आसपास यूज करने के लिए मिल जाएगा। एक वॉश बेसिन आपको यहाँ पर अंदर ही मिल जाता है, वॉल टू वॉल यहाँ पर भी आपको सीलिंग लेवल तक टाइल्स लगाकर दिए गए। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो वाटर टैंक के लिए आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। सभी फ्लैट हमारा मास्टर बेडरूम है, बेडरूम के अंदर भी एक और आपको बाथरूम यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। बाकी आपको यहाँ पर वेस्टर्न मिल गया, बैक साइड में आपका विंडो रहेगा और ऊपर की तरफ रहेगा आपका शावर, गीजर के लिए भी पॉइंट आपको अंदर ही दिए गए हैं। अब हम देख लेते हैं बेडरूम को। ये है दोस्तों आपका 1 BHK का बेडरूम, साइज आप देख सकते हो अप्रोक्स ये कम से कम ये 9-9.5 फीट के आसपास रहेगा, ऐसे में आपको 9.5 फीट के आसपास मिलेगा। तो 9.5x9.5 का आसपास का ये हो गया आपका बेडरूम दोस्तों। और सीलिंग आप देख लीजिए कुछ इस तरीके का आपका सीलिंग रहेगा। कॉर्नर पे आपको यहाँ पर POP डिजाइन दिए गए हैं जो कि पिंक कलर में रखा है। अभी के तारीख में चाहो तो आप यहाँ पर डिफरेंट कलर भी लगा सकते हो। बड़ा सा वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है विंडो, प्लस आप बाहर का व्यू देख लीजिए। ये जो मैं फ्लैट शूट कर रहा हूँ ये है आपका बैक साइड का। अगर आप फ्रंट साइड में देखेंगे तो फ्रंट साइड में क्या मिलेगा, फ्रंट साइड में आपको मिल जाएगा यहाँ पर हाईवे वाला व्यू रहेगा दोस्तों। अब हम देख लेते हैं बाथरूम को। जैसे ही आप बेडरूम में एंट्री करेंगे तो राइट साइड में एक और आपको मिल जाएगा यहाँ पर बाथरूम। दोनों में ही आपको यहाँ पर वेस्टर्न लगा कर दिए गए क्योंकि आज के तारीख में काफ़ी सारे लोगों का वेस्टर्न का ही रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर वेस्टर्न ही मिल जाता है दोनों ही बाथरूम में। बाकी एज इट इज़ यहाँ पर भी आपको टाइल्स लगा कर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सीलिंग लेवल तक आपको टाइल्स रहेगा। ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए जगह दिए गए हैं, 300 लीटर के आसपास का आप यहाँ पर टैंक रख सकते हो। हालांकि इसका आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक टैंक में ही आपका इनफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो पानी मिलेगा वो आपको ग्राम पंचायत कनेक्शन का 24 आवर्स पानी मिल जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, प्राइस लोकेशन सभी चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों। इतने प्राइम लोकेशन पर है फिर भी आपको बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 BHK फ्लैट दोस्तों। सबसे पहले 1 BHK का फ्लैट के बारे में बात कर लेते हैं, चलो कमर्शियल के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कमर्शियल का भी रिक्वायरमेंट रहता है। कमर्शियल अगर आप फ्रंट साइड में लेंगे तो फ्रंट पे आपको 8000 पर स्क्वायर फीट का हिसाब से आपको मिल जाएगा दोस्तों। कमर्शियल में काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक आपका 200, 250, 300 जितना भी आपको स्क्वायर फीट का चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। कमर्शियल आपका ग्राउंड पे फ्रंट पे रहेगा 8000 पर स्क्वायर फीट। अगर आप साइड में लेंगे कॉर्नर साइड में तो कॉर्नर पे आपको 6000 पर स्क्वायर फीट का रेट से आपको मिल जाएगा। और फर्स्ट फ्लोर पे भी कमर्शियल है जो कि फ्रंट फेसिंग पर आपको मिल जाएगा, वो रहेगा आपका 5000 पर स्क्वायर फीट। तो कितना फर्स्ट फ्लोर पे लेंगे तो आपको 5000 पर स्क्वायर फीट का रेट से मिल जाएगा। अगर आप कॉर्नर साइड में लेंगे लाइक फ्रंट को छोड़ के कॉर्नर पे लेंगे तो आपको 6000 पर स्क्वायर फीट का रेट से मिल जाएगा। बाकी अगर आप फ्रंट फेसिंग पे लेंगे तो फ्रंट फेसिंग पर आपको 8000 पर स्क्वायर फीट का रेट से मिल जाएगा, विच इज़ थोड़ा बहुत नेगोशियबल रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 1 BHK। 1 BHK यहाँ पर आपको ऑप्शन अवेलेबल है 525 स्क्वायर फीट से 1 BHK। प्राइस कितना है, 18,50,000 विथ रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको मिल जाएगा। अगर आपको किचन ट्रॉली चाहिए, फॉल सीलिंग चाहिए तो आपका 50,000 प्राइस और बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर आपको वो सारी चीज़ नहीं चाहिए लाइक किचन ट्रॉली, फॉल सीलिंग नहीं चाहिए तो आप 18.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में एक 1 BHK फ्लैट नियर बाई स्टेशन 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में रोड टच प्रॉपर्टी पर आप ले सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं 2 BHK। 2 BHK यहाँ पर आपको स्टार्टिंग 730 स्क्वायर फीट के आसपास से आपका स्टार्टिंग रहेगा जो कि 2 BHK का रहेगा और 25 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा 2 BHK फ्लैट। इतने नज़दीक 25 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जा रहा है 2 BHK। 1 BHK आपको 18.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में मिल जा रहा है। 1 BHK में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक 630 तक भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको बड़ा फ्लैट का रिक्वायरमेंट है, इससे भी बड़ा फ्लैट चाहिए तो आपको 620 स्क्वायर फीट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो प्रॉपर्टी नेरल रेलवे स्टेशन से मात्र 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। जिन्हें नेरल के बारे में नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए, नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तालुका कर्जत स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। अगर आपके पास में लाख रुपया भी डाउन पेमेंट है तो आप एक 1 BHK फ्लैट परचेस कर सकते हो। 90-95% बैंक लोन पॉसिबल है, वो भी नेशनलाइज बैंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।